Good evening everyone. UPSC CSE 2023 CSAT exam has just been concluded and this video is about the initial reaction of the exam. So we have done the sectional breakup of the exam into four parts. CSAT is generally of qualifying nature, but it needs regular practice, and UPSC has been reminding us repeatedly about the same thing. Last 2 saal se abhi tak humne jo analysis kari hai usme yahi देखने को मिल रहा है दैट सी सेट इज गेटिंग टफर एंड टफर एवरी टाइम. सो दिस टाइम द एग्जाम वॉज टफर. सो दिस इज द सेक्शनल ब्रेकअप वी हैव डन. विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. द टोटल पार्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन विच वर इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रिहेंशन वर 30 एंड द पैसेजेस टोटल वर 25. सो कुछ पैसेजेस जो थे उसमें द क्वेश्चन वर इन पेयर्स, मतलब एक पैसेज दिया हुआ था उसके साथ 2 क्वेश्चन अटैच कर दिए थे. The total number of passages were 25 and the total number of questions were 30. The good part is the questions which were in pairs saved some of the time of the students. Kuch time unhone save kar diya tha students ka question solve karne ke liye, because aapko ek hi passage padhne ki zarurat pad rahi thi. That was the good part. And the other thing is the comprehensions were little easier. They were easier than the rest of the paper. Especially jo quant wala section tha usse kafi zyada easy tha. Next section is about the quantitative aptitude, which included 34 questions, and the majority of the questions were included from the number system and PNC. So PNC is permutation and combination. Also with some of the questions were included from the probability section. So इन टॉपिक्स को इन जनरल हम थोड़ा डिफिकल्ट मान के चलते हैं. स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट. सो द क्वांट पार्ट वॉज लिटल डिफिकल्ट, लिटल आई वुड से वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सा बच्चों को अटैम्प्ट करने में मुश्किल हो रही थी. नेक्स्ट पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, विच इंक्लूडेड 11 क्वेश्चन, एंड दो दिस पार्ट वॉज प्रिटी मॉडरेट. क्वेश्चन आसान थे बट द स्टेटमेंट्स वर लेंदी, सो स्टूडेंट्स टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. सो लॉजिकल रीजनिंग हैड 11 क्वेश्चन ओनली, और कुछ ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे तो थोड़ा सा हम उनको लेस इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं. जैसे कि ब्लड रिलेशन का एक आधा क्वेश्चन ही था. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे डिस्टेंस एंड डिस्टेंस मेजर के क्वेश्चन जो थे उससे बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आए थे. एक्सपेक्टेंसी उसके क्वेश्चंस की ज़्यादा थी, बट आई थिंक इस बारी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ से थोड़े कम आए थे. नेक्स्ट इज योर डेटा सफिशिएंसी. डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस 2022 में यूपीएससी ने पहली बार इंक्लूड किए थे एंड दोज वर वेरी इजी क्वेश्चंस. दिस टाइम दे हैव इंक्रीज द नंबर फ्रॉम 3 to 5. इस बारी 5 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में एंड इसको थोड़ा सा इन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म के साथ अटैच कर दिया था. सो यू हैव टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल इक्वेशन टू कम अप टू डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस. ठीक है, तो थोड़ा सा वो ट्रिकियर पार्ट बढ़ गया था, अदरवाइज दे वर सॉल्वेबल. सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अगर आपने 46 to 50 के अराउंड क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं इस ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं तो सी सेट विल बी ईजियर. एक बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि यूपीएससी हर साल सी सेट को डिफिकल्ट करता जा रहा है. सो वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द सी सेट एज वेल इक्वली, जस्ट लाइक वी पुट इक्वल एफर्ट इन अदर सब्जेक्ट्स. ऑल राइट, सो दिस वॉज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द CSAT exam. Will come up with a detailed video and the analysis of the exam in a couple of days. Tab tak aap rest kariye. You have done well, you have given your best and things will be good for you. So do not worry, abhi rest kijiye. Ek do din ke baad we'll start with the mains preparation. Till then, all the very best and thank you.